हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पहला स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मदन परिहार ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की जो शुरुआत कर रहा हूँ, करीब सुबह का 7 बजे है। 2 मिनट आगे पीछे हम क्या हुए, मैं भटक गया रास्ता। फिलहाल मैं सही रास्ते पे आ गया हूँ और मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ। सो दगड़ियों, आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं अपनी दुकान से करीब 4 किलोमीटर पर सीधी चढ़ाई को, और यहां से करीब अभी 4 किलोमीटर और आगे हमें जाना है। काफ़ी थक चुका हूं मैं और देख सकते हैं पसीना भी, चलते चलते पसीना काफ़ी आ गया है। फिलहाल मैं बढ़ता हूं और आगे मैं कहीं पर दिखाने लायक जगह मिलेगी उसको ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, मैं चल पड़ा हूँ आगे के लिए। आगे बढ़ते बढ़ते हमें लेने के लिए जो है 2 लोग आ चुके हैं 4 किलोमीटर करीब आगे से, और साथ में हमारा सामान भी पकड़ेंगे, कुछ हेल्प हमारे भी करेंगे। हेलो, नमस्ते नमस्ते। ये हैं, ये देखो कैसे घूम रहा है बंदा, देखो। चलो चलो इधर इधर। हम लोग पहुंच चुके हैं दोगढ़, और यहाँ पर जो है जलपान करने के बाद हम निकलेंगे ऊपर को, और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ मैं अभी दिखाऊंगा आपको आगे पहुँच के। फिलहाल ऊपर पहाड़ों की जो ज़िंदगी दोस्तों, काफ़ी सुकून भरी ज़िंदगी है, क्योंकि यहाँ पर जो ठंडी हवा, ठंडा पानी और शुद्ध वातावरण आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलता है। काफ़ी हरा भरा आसपास का जो नज़ारा है वो भी यहाँ पर मिल जाता है। और खेतों में देख सकते हैं आप, काफी अच्छा मड़ुआ। मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं दुगड़ गांव, प्रॉपर जो दुगड़ गांव है वो यही है। इसमें करीब 15 से 20 मकान परिवार रहते हैं, उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा थोड़ा ऊपर पहुंच के। सो दगड़ियों, मैंने अपना काम फाइनल कर लिया है छत में पाइप बिछाने का, और मैं जिस काम के लिए आया था ये वो काम जो है यही था, छत में पाइप बिछाना। और उसके बाद जो है मैं जाऊंगा यहाँ से थोड़ा नीचे को, एक मकान है इसी को मैंने एक चक्की रिपेयर करनी है। उसके बाद पास के गाँव में मैं जाऊँगा, उस जगह पर जाके जो है एक चक्की रिपेयर वहाँ पर भी करनी है, मैंने लगभग 2 चक्की रिपेयर करनी है। उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा आपको। मैं जो है काफ़ी जंगल भरे रास्ते से जाऊंगा मैं दूसरे गांव को, और काफ़ी डरावना बताते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है एक शेर ने जो है 1-2 बकरियों को अपने चंगुल में फंसा लिया था और उनको मार डाला था, ये गाँव वालों का कहना था। कुछ इस प्रकार का जो है गाँव है दोस्तों दोगढ़ गाँव, मिथली ग्राम सभा का दूरस्थ गाँव, 8 किलोमीटर दूर। और यहाँ पर जो है गांव की औरतें देखी हुई हैं कि लेंटर कैसे डाल रहे हैं, और भानिज मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, बोल रहे हैं आओ नाश्ता करते हैं। फिलहाल मैं आ गया हूँ पहाड़ी बाखली में, देख सकते दोस्तों काफ़ी सुंदर बाखली, पुराने मकान, पाथर वाले, और
इन पे जो है सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में सर्दी का एहसास यही मकान दिलाते दोस्तों। फिलहाल आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मैं दिखाऊंगा आगे भी मेरे साथ जो घटनाएँ घटेंगी और मैं जिस रास्ते से होके आगे बढ़ूँगा उस चीज़ को मैं दिखाऊँगा ज़रूर। आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। आज मैं जा रहा हूँ एक नए रास्ते से, क्योंकि काफ़ी जंगल वाला रास्ता है दोस्तों, काफ़ी डर भी लग रहा है एक तरफ से मुझे, और मैं काफ़ी हिम्मत बना के आगे बढ़ रहा हूँ। रास्ता काफ़ी जोखिम भरा रास्ता था, अब यहाँ से जो है आगे का रास्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि खड़ंजा वाला मार्ग है तो अच्छा ही होगा, देखते हैं आगे कैसा है। मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ इस जगह से मैं नीचे को आया था और यहाँ से जो है ये देख सकते हैं घनघोर जंगल, काफ़ी घनघोर जंगल है दोस्तों। इस बीच जो है शेर भालू का काफ़ी खतरा रहता है इस जंगल पे, क्योंकि काफ़ी घना जंगल है, और मैं यहाँ से जो है बच के आगे निकल चुका हूँ। फिलहाल मैं और आगे की तरफ निकलता हूँ, देखते आगे कैसा जंगल है। और एक चीज़ और है, यहाँ पर जोंक का भी काफ़ी खतरा रहता है यहाँ पर। अब मैं तो जूते पहन रखे हैं, अब देखते हैं आगे जाके जोंक लगे नहीं लगे, जब जूते खोलेंगे उसके बाद पता चलेगा जोंक कहाँ तक घुस गए हैं। वो चीज़ अभी मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको। फिलहाल ये देख सकते हैं कोड़ेबाग की जो जाल है दोस्तों, बार बार चेहरे पर लग जा रही, क्योंकि ये रास्ता जो है किसी इंसानों द्वारा आज कोई आवागमन इस रास्ते से नहीं हुआ है। कुछ आवाज़ें निकल ली जंगल से, उस आवाज़ को मैं सुन रहा हूँ। हो सकता है जंगल में कोई पक्षियों की आवाज़ है। फिलहाल और आगे बढ़ गया मैं, अब रास्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि घास वास जो है कम हो गई है। अब ये गांव का एरिया स्टार्ट होने वाला, क्योंकि ये गांव के बगल का जो एरिया होता है माँ है शायद। काफ़ी ऊंची घास हो रही है यहाँ पर, रास्ते का पता नहीं चल रहा है, बस अनुमान से पांव नीचे फेंकने और चलने की, हाँ यही रास्ता होगा, क्योंकि रास्ता पूरा बंद। मैं पहुंचने वाला हूं यहां पर जो लगने वाला फर्स्ट घर, उस घर पे। बढ़िया, फर्स्ट घर से जो है रास्ता पता करने के बाद मैं आगे बढ़ गया हूं। आगे मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं आया था सुबह लेंटर में पाइप बिछाने,
ऊपर के गांव में मैंने कुछ बहुत झलक दिखाई इससे पहले, और उसके बाद फिर मैंने एक चक्की का मोटर फिट किया मैंने नीचे आके, वो मैंने दिखाया नहीं आपको। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक चक्की और रिपेयर करनी है, आटा चक्की। उस चीज़ को अगर दिखाने जैसा होगा मैं दिखाऊंगा, वरना मैं जा उसी के लिए रहा हूँ। और काफ़ी खुजली हो रही है पाँव में मेरी, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए जोंक, जो चीज़ मैं बता रहा था आपको जोंक का खतरा करके ना, वो यही चीज़ है दोस्तों। ये निकल ले भैया, खूनी निकाल दिया इसने शायद। एक ही नहीं होगा ये, और भी होंगे। इतने ख़राब रास्ते से होते हुए आया मैं आगे, तो जोंक तो लगना था ही, क्योंकि काफ़ी पानी वाला रास्ता था और उस बीच में आया था एक जोंक। अभी मेरे पाँव पे लगा था, मैंने निकाल लिया उसको, काफ़ी खुजली कर रहा था वो। उसके बाद जो है मैं अभी देखूंगा नीचे पहुंच के, फिलहाल मैंने घर का पता कर लिया किस घर पे मुझे जाना है करके। और फिलहाल पाँव में खुजली का बहम बढ़ गया है, एक जोंक तो मैंने निकाल दिया है, लेकिन और भी जोंक हो सकते हैं। अब निरे मेरी बेटी के साथ मौका मिलेगा मैं आगे दिखाऊंगा आपको गांव। सो फाइनली मैंने दूसरी जगह चक्की बनाने के बाद निकल चुका हूँ घर की तरफ। समय हो गया है भेड़ बकरियों के घर आने का, क्योंकि शाम का 6 बज चुका है और मैं अभी निकल रहा हूँ घर की तरफ। चीड़ के जंगल के बीचों बीच अकेला जा रहा हूँ मैं। आज जो है मेरा 14 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो जाने वाला है थोड़ी देर में। और फिलहाल आप बने रहिए मेरे ब्यूटी के साथ, मैं आगे और कुछ दिखने लायक जगह या कोई व्यक्ति मिलेंगे तो मैं उनसे ज़रूर आपको रूबरू कराऊँगा। लगभग 1 घंटे का समय लगा मुझे उस टॉप से यहाँ नीचे आने में, और भी मुझे कुछ और नीचे जाना है। लगभग मैं आधे घंटे के अंदर मैं घर पहुँच जाऊँगा, और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है। अभी समय करीब 6:53 हो चुका है।